हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल सिंपल रेसिपी विद सीमा में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी सरसों का साग। चलिए शुरू करते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने लिए हैं 100 ग्राम सरसों के पत्ते। मैंने इसे काट के अच्छा से धो लिया है। 100 ग्राम पालक के पत्ते, ये भी मैंने अच्छे से काट के धो लिया। और 50 ग्राम मेथी, ये भी मैंने अच्छा से काट के धो लिए। ये तीनों पत्ता मिक्स करके हम लोग सरसों का साग बनाएंगे। बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया है कुकर में। अब मैं इसमें हमारे सारे पत्ते डाल दूंगी। अदरक और लहसुन कूट के डाल दीजिए। इसमें 7-8 कली लहसुन की और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का मैंने अच्छा से कूट के डाला है। और साथ ही इसके साथ मैं 5-6 हरी मिर्ची भी डाल दूँगी। थोड़ा सा नमक ऐड करके, थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसमें 5-6 सीटी लगाऊंगी। मैंने साग में सीटी मार के साइड रख दिया है ठंडा करने के लिए। एक तरफ हम इसका छोक बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच। इसमें तड़का लगाने के लिए मैंने 1 चम्मच घी गरम कर लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी 1 बारीक कटा हुआ प्याज। हमारे जब तक सीख रहे हैं तब तक हम साग देख लेते हैं। इसमें सीटी लग चुकी है। इसमें ऐड कर देंगे हम 2 चम्मच मक्की का आटा। इसे हम बढ़िया से मिला के, मैंने चम्मच से मिला लिया। अब हम ऐसी वुडन घोटनी की हेल्प से इसे घोटेंगे। हम इसे घोट घोट के एकदम स्मूथ बना लेंगे। इसे ऐसे घोट घोट के बनाएंगे तो इसका एकदम असली टेस्ट आएगा, एकदम ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। और अगर हम मिक्सी में इसे पीस लेंगे तो हमें खाने में वो टेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आप ऐसे घोट घोट के बनाएंगे तभी आपको अच्छा, आपकी सब्जी अच्छी बनेगी। ओनियंस हो गए, मैं इसमें थोड़ी लहसुन की कलियां और डाल दे रही हूँ। और साथ में 1 टमाटर भी मैंने बारीक काट के डाला है। मैंने ये साग को अच्छा से घोट घोट के एकदम स्मूथ बना लिया है। अब मैं इसे 5 मिनट और ऐसे ही पकाऊंगी। थोड़ा सा मसाला डाल दूंगी। ऐसे तो इसमें हल्दी नहीं डलती है, लेकिन हमारे यहाँ बिना हल्दी सब्जी नहीं बनती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी हल्दी यूज की है। और थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी धनिया, हल्दी और मिर्ची डाली है। आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। पेस्ट अच्छा से हो गया, इसमें तेल छोड़ दिया और हमारा ये साग भी अच्छा से घुट गया। अब ये साग मैं इस पेस्ट में डाल दूँगी। साग में एक अच्छी सी ऑथेंटिक खुशबू आनी चालू हो गई। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़ा सा टुकड़ा बटर का। इसे 2 मिनट ऐसे खुला और पकाऊंगी, फिर मैं इसे सर्व करूंगी।
मेरा सरसों का साग रेडी है। अब साग की रेसिपी रेडी है अब सर्व के लिए। मैंने इसे मक्की की रोटी के साथ सर्व किया है। ये सब्जी आप अपने घर में मक्की की रोटी के साथ बनाइए और इस विंटर इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी ही मिलूंगी अपनी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।